दिव्या जी नमस्कार। नमस्कार, आइए, वेलकम। आइए आइए, स्वागत है आपका। अब हम आ गए हैं दिव्या द्विवेदी के घर में, इनके छोटा सा राजमहल। उस राजमहल का जरा दर्शन लीजिए और फिर दिव्या जी से बातें करते हैं। थैंक यू। चलिए, अब हम दिव्या द्विवेदी के घर पर आ चुके हैं। ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, आमतौर पर कई लोग के पीछे उनके बाप दादा या चाचा मामा कोई ना कोई रिश्तेदार सबके लग रहते हैं, ये बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इस बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपना स्थान स्लोली स्लोली, एक झटके में बड़ी स्टार नहीं बनी, लेकिन स्लोली स्लोली इन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया। और गोविंदा, सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, रवि किशन, जो आज एक एमपी भी बन चुके हैं, गोविंदा भी एमपी रह चुके हैं, पुराने एमपी, इनके साथ अभिनेत कई फिल्में की हैं। बीच में कुछ समय के लिए ये बाहर चली गई थी, लेकिन अब फिर से दोबारा रंगमंच और फिल्मों में सक्रिय हो चुकी। तो आइए मिलते हैं दिव्या जी। कैसा था आपका पहला, जो बॉलीवुड में जो पहला अध्याय आपका हुआ था, क्या क्या आप उसके बारे में खास कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, पहला अध्याय मैं ये कहूँगी कि बहुत ही मतलब संघर्षपूर्ण रहा। आपको मेहनत करनी पड़ती है जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, आप नए होते हो, आपको कुछ भी नहीं पता होता। और जैसा कि आपने बताया कि फिल्मी बैकग्राउंड में मेरा कोई भी नहीं था पहले, कोई रिश्तेदार या कोई भी, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुश्किलों इन द सेंस कि पहले से कुछ भी ट्रेनिंग नहीं थी, जो कुछ भी हमने सीखा वो यहीं से सीखा। एक तरफ ट्रेनिंग भी ले रहे थे, दूसरी तरफ काम भी कर रहे थे, तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा मैं ये कहूँगी। कुछ अपने फिल्मों के बारे में बताइए। वैसे तो मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारी भाषाओं में मैंने फिल्में की हैं। मैंने की हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, भोजपुरी ऑल्सो बिकॉज दैट्स माई मदर टंग। वैसे मैं अपनी पहली फिल्म मानती हूँ ये दिल को, जो तुषार कपूर के साथ थी। उससे पहले एक और फिल्म आई थी सुनो ससुर जी, जिसमें मैंने एक रोल किया था, आई मीन दैट वॉज स्टार्टिंग, बट मैं ये दिल को प्रॉपरली मानती हूँ बिकॉज उसमें मेरा सेकेंड लीड था। एंड उसके बाद मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म किया, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, फिर अलीबाबा 40 चोर अरबाज खान के साथ, और फिर मिलता है चांस बाय चांस ग्रेसी सिंह स्टारर, एंड जिज्ञासा रिशिता भट्टन में। इस तरह से बहुत सारी फिल्में, काफ़ी हिंदी फिल्में की, कुछ कहा आपने ऐसे दीवान की, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी फिल्मों के नाम आपने सुना होगा, बहुत सारी फिल्मों के नाम आपने नहीं सुना होगा, देखा भी नहीं होगा शायद, बट एक्चुअली बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं पहले। और बीच में जैसा कि आपने बताया कि मैंने कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लिया था, तो कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी आपको थोड़ा शांत रहना भी ज़रूरी होता है, और कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ नई चीज़ लाने के लिए आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। तो मैंने भी एक ब्रेक लिया फॉर सम पर्सनल रीजंस, और 3.5 साल ब्रेक लेने के बाद अभी वापस मैं आई हूँ, कम बैक कर रही हूँ। अभी एक गुजराती फिल्म कंप्लीट की, दिया द वंडर गर्ल, और बहुत अच्छी फिल्म है ये, टाइकवांडो के ऊपर बेस्ड है। 29 नवंबर को ऑल इंडिया रिलीज़ हो रही है, और थिएटर कर रही हूँ। इनका नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बेहतरीन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, सागर सरहदी जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, सिलसिला, चांदनी, बाजार, आई गेस कभी कभी, मुझे याद नहीं आ रहा, बाजार तो उन्होंने शायद डायरेक्ट। लेकिन सागर सरहदी से आपकी मुलाकात कैसी हुई, कैसे वहाँ तक पहुँची? सागर सरहदी तो बहुत ही लिटरेरी राइटर है, मतलब अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँची आप?
जी, मैं ऐसे ही मतलब किसी के थ्रू मैं किसी ऑफिस में गई थी और वहाँ पे भी शायद हम लोग प्ले वगैरह की बातें कर रहे थे, थिएटर थिएटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे वहाँ पे दूसरा एक ग्रुप मिला और उन्होंने कहा कि आप करोगे थिएटर। तो मैंने मैंने सोचा कि अरे यार, थिएटर जब मैंने फिल्म की शुरुआत की थी तब मैंने थिएटर किया था, अब फिर से वापस से मतलब दुनिया गोल है, वापस से अगेन आई हैव टू गो इन द थिएटर वर्ल्ड, बट इंटरेस्टिंग। मैंने बोला कि करना चाहिए। जब उन्होंने मुझे नरेशन दिया कि ये कहानी है, ऐसा है, ये राइटर है, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और फिर इस तरीके से उन लोगों के ज़रिए सागर जी से मेरी मुलाकात हुई और फिर हमने ये प्ले किया, ए मोहब्बत। हमने आपके कुछ आर्टिकल्स देखे हैं, बड़े मशहूर बॉलीवुड के बड़े सीनियर पत्रकार हैं अली पीटर जॉन, उनके द्वारा लिखा हुआ। अली पीटर जॉन को आपने कैसे प्रभावित कर लिया, उन्होंने आप पर आपके ऊपर इतने बढ़िया बड़े आर्टिकल लिखे हैं? बहुत पुराना रिश्ता है उनके साथ। मैं एक टीवी सीरियल कर रही थी, उन्होंने मुझे एक्चुअली ग्रो करते हुए देखा है। 2008 से मुझे वो जानते हैं, मैं भी उन्हें जानती हूँ। लेख टंडन जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे बट वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, वो उन्होंने डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था कनिका बाजपेयी, त्रिनेत्रा बाजपेयी ने। तो वो सीरियल जब मैं कर रही थी तो अली पीटर जी वहाँ पे आते थे हमेशा, सेट पे बैठते थे, तो उन्होंने वहाँ से देखा है काम करते हुए आज तक, तो तब से जानती थी। और अब उन्हें लगा कि नहीं, मतलब आई मस्ट राइट समथिंग अबाउट दिव्या, और उन्होंने वाकई बहुत अच्छा राइटअप दिया, मेरे बारे में लिखा। अच्छा लगा मुझे कि इतना बड़ा राइटर, मतलब जिसको कौन नहीं जानता, अमिताभ बच्चन से लेके एवरीबॉडी, आई मीन दे स्टैंड फॉर हिम व्हेन ही गोज, तो उन्होंने कुछ दो लाइन लिखा मेरे लिए, तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि जैसे कि शायद ज़िंदगी में हर किसी को भगवान दोबारा मौका देता है और मुझे भी मौका दिया है, तो शायद ये एक अच्छी शुरुआत होने की निशानी है। तो अभी आपकी क्या सक्रियता है, अभी क्या क्या कर रही हैं, आपके आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? अभी तो ये जो है दिया द वंडर गर्ल, दिया द वंडर गर्ल, इसकी रिलीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसके प्रमोशंस वगैरह में व्यस्त हैं, तो वो रिलीज़ हो रही है 29 नवंबर को ऑल इंडिया। और प्ले तो है अपनी जगह, वो कर रहे हैं हम, प्लस एक और हिंदी फिल्म पे काम कर रही हूँ, अभी स्क्रिप्ट पे वर्क चल रहा है, एंड शायद भगवान ने चाहा तो एक बहुत बेहतरीन अच्छी हिंदी फिल्म बहुत जल्द करूँगी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके इस आने वाले भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।